Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. If you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe, like, share and do comment on my videos. And also please don't forget to press on the bell icon. So today, as you can see, after having breakfast, मैं जल्दी से burger तैयार करने लग गई थी because आज उनकी job थी तो हमने सोचा कि क्यों ना मजेदार सा lunch prepare कर लिया जाए जिसमें मैंने yogurt रखा था, कुछ veggies थी, एप्पल रखा हुआ था और बस यही मैंने जल्दी से तैयार कर लिया था। A few moments later. तो वो सब होने के बाद हम डेंटल केयर आए, हमारा वहाँ पे कुछ काम था तो इसलिए हम आ गए थे। So after that we headed towards grocery shop because हम बाहर निकले और grocery ना हो तो ये impossible सी बात है because हमारी चीज़ें काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं because we are foodie, so हम daily कुछ ना कुछ मज़े का बनाते ही रहते हैं। So आप देख सकते हैं after having grocery we went to the waterfront which is one of my favorite places, तो ऐसा possible ही नहीं होता कि हम waterfront ना जाएं। So guys, you can see it was really very beautiful sunny day. So हमने अच्छा सा सनबाथ भी लिया। So guys, after enjoying whole day in waterfront, हम घर पहुंच चुके थे और आप देख सकते हैं कि हम grocery की organization कर रहे थे। One thing I must mention कि कुछ काम करूँ या ना करूँ पर grocery की organization मुझे बहुत पसंद है और उसको मैं काफ़ी enjoy करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या ख़रीदा था। यहाँ पर मिल्क आ गई, यहाँ पर बनानास आ गए, एग्स और यहाँ पर है ना जो कि मैंने अपने लिए ली थी। सो यहाँ पर आने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि यहाँ आते साथ ही मुझे ट्रेडिशनल चीज़ों का काफ़ी शौक हो गया है ना लगाना और काफ़ी और चीज़ें। सो आप देख सकते हैं कि साथ में हम सूप भी बना रहे थे बिकॉज माई सिस्टर इज़ क्रेजी अबाउट सूप, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि हमारा दिन सूप के बगैर हो। सो सूप प्रिपेयर होने के बाद मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी कि जो है सूप की रेसिपी मस्ट शेयर करना। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी एज आई फॉरगॉट टू शेयर दिस टाइम। सूप इज़ अ काइंड ऑफ साइड स्नैक फॉर मी स्पेशली बिकॉज आई एम अ बिग फूडी, तो मैं जो हूँ कुछ सॉलिड सा ना खाऊँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो मैंने सोचा कि क्यों ना वाइट कढ़ाई भी बना ली जाए, तो साथ में जो है हम वो भी तैयार कर रहे थे डिनर के लिए। सो उसके बाद हमने थोड़ा सा स्पोर्ट्स किया। सो एंडिंग माई व्लॉग विद स्नैक्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड टेक केयर।